केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस सृजन वाणी में होता तत्वों का सुंदर तम दर्शन, सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। देवशास्त्र गुरु पूजन हमने यहाँ प्रारंभ की है, कई दिन हो गए इसके बारे में चर्चा करते हुए। अष्टक की चर्चा के उपरांत जयमाला में हम कुछ भावनाओं की चर्चा यहाँ कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर भाव भरे हैं इन बारह भावनाओं में। दो दो लाइनों में एक एक भावना का बहुत सुंदर स्वरूप बतला दिया है। हम यहाँ निर्जरा भावना तक की चर्चा पिछले सत्र में कर चुके थे। आज हमें आगे बढ़ना है, निर्जरा के छंद को पुनः लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक बार वहीं से देखिए। फिर तप की शोधक बन जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, फिर शब्द जो है ये पिछले छंद से कनेक्टिंग है। फिर हमने आपसे कुछ बात कहना शुरू किया और हमने कहा फिर बताया क्या हुआ, सर मैं तो उसके पहले का भी नहीं सुना, फिर से पहले क्या हुआ, माने फिर इस बात का सूचक है कि उससे पहले कुछ हो चुका है, उससे पहले संवर हो चुका है। विकास जी, संवर हुआ उसके पहले, और संवर में क्या होता है, जो कर्म है वो आते हुए रुक जाते हैं, वो संवर कहलाता है। हमने सात तत्वों की बहुत थोड़ी बहुत चर्चा पहले की है पिछले भागों में, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, सात है ना तत्व। इनमें जीव हमें अजीव शरीर आदि पर हैं, ठीक है, आश्रव कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, बंध कर्मों का आकर आत्मा के प्रदेशों से चिपक जाना, बंध जाना, वो बंध है, ठीक है। अब संवर या आश्रव और बंध करने लायक नहीं है, लेकिन अपन सोचते अपने को पता ही नहीं है आश्रव कैसे हो रहा है बंध कैसे हो रहा है, अपने को दिखता भी नहीं है, आते हुए कर्म हमें दिखते भी नहीं है, तो ये दोनों मिटे कैसे, तो तीसरा उपाय है वो है संवर। आश्रव को रोकने का उपाय है संवर, माने आते हुए कर्म नहीं आए, कर्मों का आना रुक जाना, कर्म नहीं आ रहे हैं, वो कहलाता है संवर। और जब संवर होता है तो फिर निर्जरा काम की होती है, अदरवाइज निर्जरा का कोई महत्व नहीं है। देखिए निर्जरा अपनी लाइफ में हो रही है या नहीं, अपनी लाइफ में निर्जरा हो रही है या नहीं, पहले ये बताओ, हो रही है, ठीक है ना, उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। सबके निर्जरा हो रही है, एक इंद्रियों की भी निर्जरा होती है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सबके निर्जरा होती है। क्या मतलब समझ में नहीं आया, सब कैसी बात कर रहे हो आप, निर्जरा तो बहुत अच्छी चीज है, निर्जरा से तो मोक्ष हो जाता है, निर्जरा में तो कर्म झड़ते हैं, ऐसी निर्जरा सबके होती है क्या कोई, हाँ होती है। सुनो भाई, जो भी कर्म हमारे बंधे हैं, जो भी कर्म हमारे बंधते हैं, वे कर्म फल देने के बाद उनका क्या होता है, खत्म। फल देने के बाद में कर्म छूटेंगे ना, या फल देने के बाद भी बंधे रहेंगे, जब अपना काम पूरा हो गया तो कर्म झड़ गए, तो वो जो कर्म झड़ रहे हैं, जो फल देकर के कर्म झड़ गए, उनसे हमारा कुछ भी मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है।
इसको कहते हैं दौलत राम जी ने छेड़ाला में चर्चा की, इसी निर्जरा भावना के लिए एक बहुत सुंदर छंद लिखा पांचवी डाल में। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। क्या कहा भैया, वापस बोलता हूं। निज काल पाए विधि झरना, अर्थ समझ में आ रहा है? निज काल अपना समय पाकर के, विधि मतलब कर्म और झरना झड़ जाना। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। उसे अपना कोई काम नहीं होगा तो फिर किससे होगा, दौलत राम जी से पूछा शिष्य ने, तो क्या जवाब दिया? तप कर जो कर्म की पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। तप के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से जो कर्मों की निर्जरा होगी वो मोक्ष रूपी सुख को दिखाने वाली है। वो कब होती है? बोले पहले तो आते हुए कर्म रुके, कर्मों का आना रुके, एंट्री बंद हो और फिर अंदर से निकले। जो भूधरदास जी ने लिखा ना अपनी बारे भावना में, पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार। और इससे पहले वाली लाइन, चार लाइनों का छंद है निर्जरा भावना का। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम चोर, या विद बिन निक से नहीं कौन बैठे पूरब चोर। अरे बारे भावना तो है, बचपन से बोलते रहते हैं। बैठे पूरब चोर, पूर्व के बैठे हुए चोरों का निकल जाना। अरे भाई चोरों का बहुत डर है, चोरी ना हो जाए तो क्या करना? सबसे पहला काम तो दरवाजे बंद करना, बाहर से चोर नहीं आए। ये कर्म रूपी चोर है, ये कर्म रूपी लुटेरे हैं। क्या लूट लेते हैं ये? भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरो। बोलो तब इष्ट भूल्यो और भ्रष्ट होए, और अनिष्ट गति धरतो फिरो। अनिष्ट गतियों में घूमता फिरा क्यों? इस भव विकट वन में कर्म रूपी बैरियों ने, कर्म रूपी शत्रुओं ने, कर्म रूपी चोरों ने, लुटेरों ने मेरे ज्ञान रूपी धन को हर लिया। तो क्या करना कि ये चोर आए नहीं, इसके लिए पहले दरवाजे बंद करो। सबसे पहला काम, आ नहीं सके, चोरों की एंट्री नहीं होनी चाहिए यहां, वो कहलाता है संवर। कर्मों की एंट्री नहीं है, उसका नाम है संवर। और फिर दरवाजे तो बंद कर लिए, लेकिन भाई साहब अंदर तो देखो, कोई चोर अंदर ही बैठा हो पहले से, ये भी तो हो सकता है। बाहर से आने वाले चोरों का तो इलाज कर दिया, लेकिन जो चोर पहले से अंदर बैठे हैं उनका क्या होगा? तो उनको भी देख सोध कर निकाल देना, वो कहलाती है निर्जरा। यहां क्या कह रहे हैं निर्जरा के बारे में? फिर तप की शोधक वन्नी जगे, तप से निर्जरा, तपसा निर्जरा च, ये सूत्र है। कहाँ है तपसा निर्जरा च? तत्वर सूत्र में, तत्वर सूत्र के नौवें अध्याय में एक सूत्र है तपसा निर्जरा च। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है बोलो? है तप से निर्जरा होती है, मतलब अर्थ बताओ इसका। तपसा निर्जरा चाहिए था नहीं है ये अर्थ, वापस पढ़ना आज जाकर के। तप से निर्जरा होती है और तप से संवर भी होता है, ये इसका अर्थ। आधी बात बोली आपने, तप से निर्जरा भी होती है और तप से संवर भी होता है। ये कह रहे तप की शोधक, शोधना, देखना, बारीकी से देखने को कहते हैं शोधना। शोधक मतलब शोध करने वाली। वन्नी जगे अग्नि जागृत हो। देखो शोधक शब्द का जो प्रयोग है
ये शोधक शब्द, शोधक वन्नी, ये दो जो चीजें हैं इनके दो तरह से अर्थ कर सकता हूं मैं। यद्यपि हम कल तो रक्षाबंधन की चर्चा हुई और परसों जो है वो चर्चा में थोड़ी बहुत कर चुका था, आज नए तरह से बात करता हूं, क्योंकि छंद पढ़ते हैं ना तो अलग अलग तरह के भाव आते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, शोधक किसे कहते हैं? किसी भी चीज को खोजने की हम बात करें क्या, और शोधने की बात करें क्या, ये जो अपन कहते हैं शोध का भोजन है, शोध का भोजन मतलब क्या? शुद्ध, बहुत बारीकी से देख करके बनाया हुआ है, शोध कर क्या, बहुत सावधानी से, शोधक मतलब बहुत सावधानी से देख करके, भाई साहब इतनी सावधानी रखी है कि किसी भी जीव की इसके बनने में विराधना नहीं हुई, इतना शोध करके बनाते हैं और फिर भी मुनिराज जब खाते हैं सोधे हुए भोजन को भी शोध के खाते हैं, बोलो फिर भी हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं, शोधक, तो शोधने के लिए, बारीकी से देखने के लिए, कहां देखने के लिए, अरे अंदर में कर्मों की निर्जरा का सवाल है तो बहुत बारीकी से देखना, जो अंदर में आत्म प्रदेशों के किसी कोने में पिछले जन्मों के भवों के पिछले समयों के बांधे हुए कर्म कहीं छिप करके न बैठे हो, इसलिए शोध करने वाली वन्नी मतलब अग्नि दीपक के समान, क्या शोध करने वाली अग्नि दीपक के समान, क्योंकि क्या होता है उस जमाने में लिखी हुई पंक्तियां हैं, लाइट नहीं हुआ करती थी, क्या आज के 60-70 साल पहले लिखी गई पंक्तियां हैं, और उन्होंने भी जो पंक्तियां लिखी गुजरदास जी ने, उस जमाने में तो थी नहीं लाइट, इस जमाने में फिर कहीं कहीं आ गई होगी 70 साल पहले। तो क्या कह रहे हैं, तप की शोधक वन्नी जगे, माने हमें यदि किसी चीज को ढूंढना है खोजना है तो अग्नि शोध करने में सहयोगी बनती है, अग्नि किसी चीज को सर्च करने में तलाशने में ढूंढने में वो सहयोगी होती है, और तप रूपी अग्नि जली है अंदर में, तप रूपी अग्नि जली जिससे शोध कर, कहते हैं चुन चुन करके कर्मों को निकाल दिया अंदर से, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, एक तो ये अर्थ है इसका। दूसरे प्रकार का अर्थ करें तो शोधक कहेंगे शुद्ध करने वाला, शोधक मतलब शुद्ध करने वाला, और वन्नी मतलब अग्नि, तो शुद्ध करने वाली अग्नि मतलब जिस तरह से सोने को शुद्ध करना हो तो उसे अग्नि में तपाते हैं, और ज्यों ज्यों अग्नि में तपाया जाता है त्यों त्यों सोना निखरता जाता है, उसकी अशुद्धि नष्ट होती जाती है। तो तप की शोधक वन्नी जगे, माने उस अग्नि में तप के माध्यम से क्या होगा कि जिस तरह से गोल्ड अग्नि में जलाने पर रखने पर उसकी कालीमा जल जाती है, उसकी अशुद्धता और मैल जल जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी तरह से अंदर में कर्म रूपी शोधक अग्नि जब जलेगी, तप रूपी अग्नि जब जलेगी तो ये कर्मों की कड़ियां तड़ 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 टूट पड़ेगी। तो फिर तप की शोधक वन्नी जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, और फिर क्या होगा, अरे कर्म ही टूट पड़े तो आप अंदर में जो आनंद के झरने भर रहे हैं बह रहे हैं, कल्पना नहीं कर सकते हो आप कैसा अपूर्व आनंद आता होगा, सर्वांग आत्म प्रदेशों से, निजात्म प्रदेशों से, प्रदेश, प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश क्या होता है, मैंने दो शब्द आप लोगों को बतलाए थे काफी समय पहले, प्रदेश किसका नाम, प्रदेश है एरिया का सबसे छोटा हिस्सा, वो कहलाता है प्रदेश, आकाश के सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं प्रदेश। एक शब्द दिया था मैंने समय, भाई ये तो थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, आप यदि रिपीट करते रहेंगे तो याद रहेंगी आपको, प्रयोग होते हैं तो बस कुछ नहीं, यहाँ तो प्रयोग हो गया निजात्म प्रदेशों से, अब आपको प्रदेश समझ में आना चाहिए, प्रदेश क्या होता है, आत्मा का प्रदेश, हर वस्तु में कोई ना कोई प्रदेश होते हैं, बिना प्रदेशों के कोई भी वस्तु नहीं होती है। हमने 6 सामान्य गुण भी पढ़े थे, द्रव्य गुण पर्याय वाला भी एक चैप्टर पढ़ा था, मुझे मालूम है बहुत लोगों के दिमाग से साफ हो गया होगा,
क्या, कोई बात नहीं, अभी तो चलती रहेगी धीरे धीरे चर्चा। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, प्रदेशत्व नाम का एक गुण है। किसमें? जीव में भी, उद्गल में भी, धर्म अधर्म आकाश और काल में भी, छहों द्रव्यों में। अभी मुझे उस तरफ नहीं बढ़ना है, अभी तो यहाँ इनके छंदों का अर्थ कर रहे हैं हम। प्रदेश मतलब आत्म प्रदेशों में, सर्वांग माने पूरे आत्मा में, आत्मा के प्रत्येक हिस्से पर क्या हुआ, उससे अमृत के निर्जर माने झरने फूट पड़े, अपार शांति का विधान होता है अंदर में। मुझे विलक्षण जाति का आनंद आता है, वो जगत के किसी भी आनंद की तुलना में अपूर्व है। माने यदि नेगेटिव अर्थ में यदि हम बात करें, समझ लो आप, वैसे नेगेटिव एग्जांपल दिए नहीं जाने चाहिए ऐसे प्रसंगों में, लेकिन वो एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं कि बिजली के करंट का जैसे झटका लगता है टच होने पर, इसको छुआ तो करंट कहाँ आएगा, यहाँ हाथ पे है, पूरे शरीर में। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, नहीं दिया जाना चाहिए, वो प्रसंग दूसरा था, रहस्य पुण्य सिटी के बीच की बात है वो। तो ये जो है ना, एक ऐसा आनंद, या तो आनंद के अर्थ में, क्योंकि वो तकलीफ के अर्थ में है, यहाँ आनंद की बात कर रहे हैं। आनंद के लिए कोई ऐसा एग्जांपल दिखता नहीं है अपने को, लेकिन ऐसा आनंद माने वो आनंद स्पर्शेंद्रिय के विषय में नहीं है, रसनेन्द्रिय के विषय में नहीं है, ग्रहण चक्षु कर्णेन्द्रिय के विषय में नहीं है, माने वो ऐसा अपूर्व आनंद है जिस आनंद के मिलने के पश्चात ये जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों को भूल जाता है। फिर सारे जगत का आनंद, सारे जगत का रस नीरस हो जाता है। पुराने भजनों में आती है चर्चाएं, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय न सुहावे जब निज आत्म अनुभव आवे। 200 साल पहले ये भजन, पुराने भजनों में चर्चा वो। तो सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के झरने झरने, हाँ क्या बात कर रहे हो आप, अमृत का पान नहीं, झरने झरने लगे। देखो बाहर में कर्म झरझर झरने लगे और अंदर में आनंद के झरने झरने लगे, इसका नाम है निर्जरा। फिर क्या होगा, संवर भी हो गया, निर्जरा भी हो गई, बोले अब तो ऊपर जाएगा। और क्या बात कर रहे हो, ऊपर जाने की बात कर रहे हो, हम जैसे ऊपर जाते हैं उस ऊपर जाने की बात नहीं है क्या, ऐसा तो कोई भरोसा नहीं है ऊपर जाने का, कभी भी हो सकता है। कल की घटना, एक परिचित हमारे 20-22 साल का लड़का था और बाइक से एक्सीडेंट हो गया, सर में चोट लगी थी, दोपहर की बात है कल, और रात को 11 बजे डेथ हो गई उसकी। नहीं तो ये कैसी स्थिति है बोलो, ठीक है, ऐसे ऊपर जाने की बात नहीं चल रही है यहाँ, यहाँ तो कह रहे हैं ऐसे ऊपर जाने की बात कर रहे हैं जिसके बाद दोबारा नीचे नहीं आए, जहां से वापस नीचे आने की बात न हो, वो है लोक, लोक के अंत में जाने की भावना भा रहे हैं यहां। हम छोड़ चले इस दुनिया को छोड़ चले हम, क्या जग में ना हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी, बोली थी ना पंक्तियां पढ़ने, कहां बोली थी बोलो, जग में ना हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी, आगे आएगी चर्चा, आगे आएगी चार लाइन छोड़ करके पूजन में बोलते थे, इसी पूजन में लास्ट लाइन है देखो। हम छोड़ चले हैं लोग, तभी क्या होगा, लोकांत विराजे, लोक के अंत में। आपको पता है सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते, सिद्ध भगवान कहाँ रहते, अरंत भगवान कहाँ होते, अरंत परमात्मा कहाँ रहते हैं, व्यवहार से बात कर रहा हूँ, उपचार का सद्भुत व्यवहार में से अरंत परमात्मा कहाँ रहते हैं, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर समम शरण में रहते हैं तीर्थंकर परमात्मा। सामान्य अरंत परमात्मा जो होते हैं, जो तीर्थंकर नहीं है और अरहंत हो गए हैं,
वे भी इस धरती से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, अधर रहते हैं, नीचे कमल की रचना होती है और सारी गंदगुटी वगैरह जैसी व्यवस्था होती है, अधर रहते हैं ऊपर आसमान में, अनंत परमात्मा इसी लोक में। 5000 धनुष भी ज्यादा थोड़ी, 5000 धनुष का मतलब कितना हो गया, 7.5 किलोमीटर लगभग फ्लाइट उड़ती है, तो 7.5 किलोमीटर को बहुत ज्यादा नहीं है। तो फिर अरहंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था की जब प्राप्ति होती है तो कहां चले जाते हैं, कि और ऊपर, कि और ऊपर कहां, स्वर्गों को भी क्रॉस करते हुए। 16 स्वर्ग ग्रह अनुदेशर आदि सरवर सिद्धि को पार करते हुए लोक के अंत में टॉप पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। लोकांत विराजे क्षण में जा, क्षण मात्र में ही लोक के अंत में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं, और निज लोक हमारा वासा हो, वास मतलब रहने का स्थान, निज लोक कहाँ रहोगे आप, सारी दुनिया ये कहेगी कि वहां रहते हैं, और सच्चाई ये है कि हम अपने आप में रहेंगे। निज लोक हमारा वासा हो, कहाँ रहते हैं अनंत परमात्मा, व्यवहार से कहा ना भी अपन ने 5000 धनुष ऊपर है, निश्चय से कहाँ रहते हैं, अपने में रहते हैं क्या, आप कहाँ रहते हो, किशनपुर, किशनपुर बाजार में, कितने किलोमीटर का किशनपुर बाजार, 1 किलोमीटर का होगा एरिया, 1 किलोमीटर का एरिया आपका है, व्यवहार है, व्यवहार से क्या, आप कहाँ के रहने वाले हो, सब जयपुर के, कहाँ रहते हो, बोले जयपुर में, अरे जयपुर 40 किलोमीटर का, लेकिन जयपुर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम तो जयपुर के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, 40 किलोमीटर के जयपुर में थोड़ी ना रहते हैं हम, उसके एक छोटे से हिस्से में, छोटे से बाजार में, छोटे से मोहल्ले में, छोटे से मकान में है, और उस मकान के भी एक कमरे में सोते हैं और कहते हैं क्या है कि हम जयपुर में रहते हैं, और बाहर जाओ तो क्या कहते हैं, हम तो इंडिया में रहते हैं, गजब हो गई। व्यवहार कथन इस तरह के, सच्चाई यह है कि कोई भी अपने आत्म प्रदेशों को छोड़कर बाहर नहीं निकलता। जब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी तो भले ही बाहर किसी भी क्षेत्र में रहे, लेकिन निज लोक, ये निज लोक क्या चीज है, ये निज लोक है चैतन्य लोक, ये निज लोक है अपना आत्मा, वो अपना क्षेत्र है, वही हमारा वास हो जाए, और फिर क्या होगा, शोकांत बने, हमको क्या, क्या सब शोकों का अंत हो जाएगा, अब कोई शोक नहीं है, फिर कोई तकलीफ नहीं है। मरण का एक शोक होता है ना, अरे साहब उनकी यहाँ तो शोक हो गया, क्या हो गया उनके यहाँ, शोक कैसे हो गया, मर गया कोई, अब कह रहे हैं शोकांत बने, अब मरने का काम ही नहीं है, उसका अंत हो गया, मौत की मौत हो गई। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति का मतलब मृत्यु की मृत्यु हो गई, अब कभी मौत नहीं आएगी, अब उस अवस्था की प्राप्ति हो गई जिसके बाद में वापस लौट करके आने का काम नहीं है, फिर हमको क्या। अब देखो केवल ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जागे मम दुर्लभ मोहि प्रभु दुर्नैतम सत्वर टल जावे बस जागे माने प्रकट हो, क्या प्रकट हो, मम मेरे दुर्लभ बोधि, दुर्लभ बोधि की प्राप्ति हो, ये प्रकट हो जाए। प्रकृत्रय कहते हैं वास्तव में बोधि को, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को कहते हैं बोधि। कहीं कहीं बोधि दुर्लभ की चर्चा करते हुए केवल ज्ञान की दुर्लभता की भी बात कही है, और कहीं कहीं बोधि दुर्लभ की चर्चा करते हुए सम्यक ज्ञान की दुर्लभता की बात कही है, और कहीं कहीं बोधि दुर्लभ भावना बतलाते हुए बहुत नीचे लेवल से चलते हुए मनुष्य भाव की दुर्लभता तक से चर्चा कर ली है। हमारे भावनाओं में प्रयोग है लेखक उनके अलग अलग, ये क्या कह रहे हैं यहां, जागे मन दुर्लभ बोधि प्रभु, उन्होंने क्या कहा बुधरदास जी ने, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में, क्या दुर्लभ है,
सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना ये बहुत दुर्लभ है। दुनिया में आपको सच्ची बात कहने वाले बहुत कम मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं। वो वही बात कहेंगे जो आपको अच्छी लगने वाली बात होगी, प्रभावित होकर के बात करेंगे वो, क्योंकि जानते ही नहीं, पहले तो खबर नहीं है। फिर दूसरी बात, फंसाने वाले बहुत हैं दुनिया में, उलझाने वाले बहुत हैं। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना ये महान महान दुर्लभ है। एक इंद्रिय दशा में ज्ञान नहीं होता, वहाँ से निकल करके दो इंद्रिय दशा की प्राप्ति होने में कुछ ज्ञान बढ़ता है। पेड़ पौधों को कितना सा ज्ञान है, ज्ञान तो है लेकिन बहुत कम है। फिर दो इंद्रिय हो गए लट, मटर में निकल गई, अब क्या होगा उसका, क्या ज्ञान है उसको। तीन इंद्रिय चींटी, चार इंद्रिय मक्खी मच्छर, पंचेंद्रिय बोलो छिपकली आदि, मेंढक आदि, क्या है सूक्ष्म की स्थिति, क्या है ज्ञान की स्थिति। ये भाई साहब बहुत दुर्लभता से बढ़ते बढ़ते मनुष्य जीवन मिल गया है हमारे, बहुत दुर्लभता से मिल गया है। एक एक क्षण जा रहा है हमारा, बहुत बहुत दुर्लभ है। एक एक क्षण मृत्यु नजदीक आती जा रही है, मौत नजदीक आ रही है, हर पल अंदाजा ही नहीं है हमारे को। ये सोच रहा है मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना इकट्ठा कर लिया, कुछ नहीं है। क्या कर लिया आपने, मौत नजदीक आती जा रही है हर पल। ये दुर्लभ काम हो जाएगा, बोधि की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, भेद विज्ञान। मैं शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, इसकी पहचान का नाम है बोधि रत्नत्रय। प्रभु जागे, ये जागृत हो जाए। हे प्रभु मैं ये भावना बाता हूँ कि ये बोधि की प्राप्ति हो जाए, जो कि अत्यंत दुर्लभ, दुर्लभ मतलब लभ कहते हैं प्राप्त करना, और दुर मतलब बहुत दूर। जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो वो कहलाता है दुर्लभ, लभ मतलब प्राप्त करना, और दुर्लभ मतलब मुश्किल है, प्राप्त नहीं कर सकते आप। क्या प्राप्त करना मुश्किल है, अरे साहब पैसा कमाना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में, सोना बहुत मुश्किल है, राजपाट संपदा मिल जाना आसान काम थोड़ी है। लोग बहुत उसमें ऐसा गर्व करते हैं, साहब आपको पता नहीं कुछ नहीं था मैंने, क्या कमाया है मैंने अपनी बुद्धि से अपनी योग्यता से, मैंने आज ये सब हासिल कर लिया। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ, सुलभ है, बहुत सुलभ है, कुछ कठिन नहीं है। पूर्वकृत पुण्य का उदय थोड़ा सा आता है और व्यक्ति फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है, लेकिन पाप कर्म का उदय आने में देर नहीं लगती, अर्श से पुनः फर्श पे आ जाता है। बोलो, यहां से वहां चढ़ गया था, वहां से जितना ऊपर चढ़ेगा वहां से गिरने पर तकलीफ भी होती हुई। सुलभ है सब, जितनी वस्तुओं की प्राप्ति होना है सुलभ 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 सुलभ, सारे जगत में सब बातें सुलभ है। इसलिए जो चीजें सुलभ है वो नहीं चाहता हूं मैं, वो नहीं चाहिए मेरे को। क्या चाहिए आपको, जांचू नहीं सुरवास गुनी नर राज परिजन साथ जी, क्या चाहिए बोल, राज्य मिल जाए तेरे को। नहीं 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 चाहिए भैया, तो नींद उड़ जाती है भाई साहब, राज्य संभालना आसान काम नहीं है। क्या कह रहे हैं, जांचू नहीं, नहीं मांगता हूं मैं सुरवास उन्हें नर राज परिजनों का साथ, कुछ नहीं चाहिए, कि धन चाहिए कि नहीं चाहिए, कण चाहिए, कण क्या होता है अनाज धान्य भोजन सामग्री, कहते हैं ना चींटी को कण और हाथी को मन, अपने भाग्य से मिल जाता है, अपने अपने भाग्य से सबको सब मिलता है, इसलिए उसमें कुछ दम नहीं है। और एक कह रहे हैं जिस चीज की प्राप्ति तुझे आज तक कभी नहीं हुई वो दुर्लभ है, जो अनंत बार प्राप्त करके छोड़ दिया उसमें क्या दुर्लभ है। सब ही सुलभ कर जान जाके मम दुर्लभ बोधि प्रभु, और दुर्लय तम, तम मतलब अंधकार, सत्वर मतलब शीघ्र ही, और टल जावे, क्या कहा, दुर्लय
दुर्नय क्या होता है? नय कहते हैं अपेक्षा से जानना, वो नय कहलाता है। नय कहलाता है सम्यक ज्ञान का अंश, और दुर्नय कहते हैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्यात्व। कुनय, कुनय शब्द का प्रयोग किया उसने आलोचना पाठ में। कुनय आलोचना पाठ बोलते हैं कभी? देखो आलोचना पाठ की लाइन बोलता हूं, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान क्या काय के कुनय 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 कहो दुर्नय कहो एक ही बात है। नय का अपोजिट मिथ्यात्व, वो दुर्नय वो कुनय है। दुर्नय रूपी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार शीघ्र ही टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। क्या क्या कह रहे हैं? बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञाता दृष्टापन, पर पदार्थों के प्रति रंच मात्र आसक्ति नहीं, रह जाऊं। मद मतलब घमंड, और मत्सर शब्द का दिया डाह माने जलन, ईर्ष्या, ये भी उसी तरह का सूचक है। ये विनश जावे, किसी के प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं रहे, कोई घमंड का भाव नहीं रहे, पर से अनासक्त, और क्या मोह भी नष्ट हो जावे, ये मेरी भावना है। तो तुम धर्म नहीं करना चाहते हो क्या? धर्म नहीं चाहते हो तुम? अरे यही तो धर्म है। देखो सब छूट जाते हैं क्या? लोग कहते हैं सच्चा साथी कौन है ये तो बताओ। ये संसार में कोई साथी नहीं दिखता है हमारे, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। ये बहुत मार्मिक लाइन कह दी नीचे, धर्म हमारा चिर रक्षक है। चिर मतलब लंबे काल तक, चिरंजीव क्या? चिरंजीव रहो, चिरंजीव मतलब जीव मतलब तो जीना, और चिर मतलब लंबे समय तक, तो चिरंजीव मतलब लंबे समय तक, और चिर मतलब लंबा, और चीर मतलब वस्त्र, चीरहरण है द्रौपदी का चीर, चीर मतलब वस्त्र, और चिर मतलब लंबा समय, वो कहलाता है चिर। चिर मतलब बहुत लंबा समय, रक्षक रक्षा करने वाला लंबे समय तक। अरे परमानेंट यदि तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला है तो वो कौन है? कि धर्म ही है शरण, धर्म ही रक्षा करने वाला है भाई साहब। अच्छा धर्म रक्षा करेगा का मतलब हम ये समझ रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान आ जाएंगे? पार्श्वनाथ भगवान तो नहीं आते, चलो हम लोग तो जैन हैं हमारे भगवान बैठ करके नहीं आते हैं, तो पार्श्वनाथ भगवान के जो भक्त देवी देवता हैं वो तो आएंगे बचाने के लिए? अरे ये धर्म की चर्चा चल रही है क्या? जिनके जीवन में धर्म उतरता है, जिनके अंदर में वेद विज्ञान होता है, जिनके अंदर में सम्य ज्ञान होता है, जो वस्तु स्वरूप को पहचानते हैं, उनकी रक्षा स्वयं होती है, बाहर में रक्षा करने वालों की जरूरत नहीं होती क्या? रक्षा करने वालों की जरूरत नहीं होती बाहर में, हम स्वयं सुरक्षित हैं। कौन किसकी रक्षा करे? कौन किसकी रक्षा करे? किसने की थी गजकुमार मुनिराज की रक्षा? किसी ने नहीं की। सुना आपने कभी? आपने सुना? कब सुना? पहले सुनाया था कभी? अरे कल रक्षाबंधन वाले प्रवचन में क्या दश कुमार मुनिराजों की रक्षा किसने की? किसी ने? सात सौ मुनिराजों की रक्षा तो विष्णु कुमार मुनिराज ने की क्या? और इनकी किसने की है? इनकी किसी ने भी नहीं करी, तो क्या हुआ गजकुमार मुनिराज का?
होता क्या? कुछ भी नहीं होता। अपने स्वरूप में लीन थे, स्वयं सुरक्षित थे, उन्हें जरूरत नहीं थी धर्मेंद्र पद्मावती की। धर्मेंद्र पद्मावती आए वो अपने राग से आए, वो अपनी भक्ति की भावना से आए, ठीक है ना, अपने पूर्व भव के उपकार को स्मरण करके आए, वो आए थे क्या? लेकिन नहीं भी आते कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ऐसा हो कि दारा सिंह का किसी के साथ में लड़ाई हो रही हो और 2 साल का बच्चा आकर के कहे कि मैं बचा लूंगा आपको, और तू क्या बचाएगा? ऐसी हालत है ना। पार्श्वनाथ भगवान 3 लोग के नाथ होने वाले हैं, जन्म से अतुल्य बल के धनी हैं, जन्म के अतिशय हैं उनके, अब उनको किसी को बचाने वाले की जरूरत है? ये सब व्यवहार के कथन है, इन्होंने बचा लिया, इन्होंने रक्षा कर ली, इन्होंने ऐसा कह दिया। सच्चाई ये है कि जिनके हृदय में धर्म बसता है वे स्वयं सुरक्षित होते हैं। किसान हमारे हृदय में धर्म होगा तब तो फिर एक्सीडेंट नहीं होगा ना हमारा। क्या पागलपन की बात कर रहा है? इन इन चीजों में क्या दम है कि साहब धर्म यदि हमारे जीवन में होगा फिर तो हमारे घर से चोरी नहीं होगी ना कभी, फिर तो कोई नुकसान नहीं होगा ना, फिर तो हमारे बिजनेस की सुरक्षा होगी ना, लोग नींबू मिर्च टांग देते हैं दुकान पे हाई के लिए, रक्षा के लिए, रक्षा के लिए नजर नहीं लगे तो अब नींबू मिर्च की जगह अपना धर्म रक्षा कर लेगा। अरे इसका नाम रक्षा नहीं है, पुण्य पाप कर्म का उदय जैसा भी आना हो तो आएगा, लेकिन पुण्य पाप कर्म का उदय आने पर भी, पाप का उदय आने पर भी और पुण्य का उदय आने पर भी मैं उससे भिन्न एक ज्ञायक तत्व हूँ, ये सुरक्षित हूँ मैं अपने आप में। ये पाप कर्म का उदय मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसका नाम है रक्षा। क्या बिगाड़ लेगा बताओ मेरे को, क्या बिगड़ गया ये तो बताओ? पाप कर्म के उदय में सेठ सुदर्शन के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, लांछन लगा दिया गया, पाप कर्म का होते निंदा और आलोचना हो गई। सेठ सुदर्शन से पूछा आपका कितना बिगड़ रहा है, आपको कहना है अपनी सफाई में कुछ? कहते हैं पाप कर्म के उदय में सारी सफाई भरी रह जाती है, जब उदय पाप का आता है तो सफाई काम नहीं करती है, और पुण्य का उदय होता है तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या ये उदय का खेल है? क्या करें वो लोग, अपने कर्म के उदय का विचार करके ज्ञानी धर्मात्मा शांत रहते हैं। निंदा हो रही है, निंदा हो रही है, बिगड़ रही है, लोग थू थू कर रहे होंगे, मेरा क्या बिगड़ गया ये बताओ, उससे मुझ में क्या बिगड़ गया? कुछ भी नहीं, धर्म ही शरण है। पाप कर्म के उदय में धर्म शरण है, बिजनेस में नुकसान हो जाने पर धर्म शरण है, हार्ट अटैक हो जाने पर धर्म शरण है, दुर्घटना हो जाने पर धर्म शरण है, प्रतिकूल परिस्थितियां बनने पर धर्म शरण है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, ये 4th नंबर की शरण थी। आप जानते हैं कितने लोग शरण है मास्टर साहब? शरण कितने? 4। अरहंते शरणम पपजामी, दूसरा सिद्धे शरणम, तीसरी शरण कौन है और चौथा शरण कौन है? केवली पनतम धम्मम शरणम पपजामी। पपजामी मतलब क्या होता है? पपजामी मतलब क्या होता है? बस अरे ये पब्बत जामी मतलब जाता हूँ, पब्बत जामी मतलब जाता हूँ। केवली पन्नतम, पन्नतम मतलब कहा गया। बालकोट पाठ वाला भाग 1 से शुरू करो यदि नहीं आ रहे ये शब्द तो वापस क्या ये गलती से आ गए अपन यहाँ मित्रांग विज्ञान भाग 2 तक आगे पढ़ लिया बस उसके तो हो गए सब। अब क्या जरूरत है अपने? केवली माने भगवान, अरंत भगवान, पन्नतम मतलब कहा गया, पन्नतम मतलब कहा गया, केवली पन्नतम धम्मम धर्म, शरणम शरण में, पवज्जामी जाता हूँ। केवली भगवान द्वारा बतलाए गए धर्म की शरण में जाता हूँ। सच्चा धर्म गच्छा भी माने भी जाता जाना होता है, गच्छ धातु भी जाने के अर्थ में प्रयोग की जाती है ना, पवज्जामी मतलब भी जाना होता है। तो मैं कहाँ जाता हूँ, किसकी शरण? बोले ये 4 ही शरण है, 5वीं शरण मत तलाशना,
कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया साहब, मैं तो जा रहा हूँ रिपोर्ट करवाने के लिए। अब ऐसे केस में तो पुलिस ही शरण है। क्या बात कर रहे हो, उदय के हिसाब से चलती है व्यवस्था, कौन किसकी शरण, जगत में कोई शरण नहीं है, अपना आत्मा ही अपने लिए शरण है, धर्म अपने लिए शरण है। और क्या होगा, इतना ही नहीं, धर्म हमारा चिर साथी, लंबे समय तक साथी भी यही रहेगा, परमानेंट साथी है। पिछले समयों में, पिछले जन्मों में, पिछले भवों में, पिछली लाइफ में हमारी यदि किसी ने रक्षा की है तो धर्म ने रक्षा की है और कोई नहीं। देखो धर्म जो रक्षा करने वाला है, ये धर्म की बात कर रहे हैं, पुण्य मत समझना, यद्यपि पुण्य के उदय में भी रक्षा होती है। कई लोग कहते हैं अरे साहब वो तो कोई पहले का कुछ लिया दिया आड़े आ गया कुछ क्या, इसलिए बच गए आज तो, लेकिन ऐसे संकट में फंसी गए थे आज, फंसते फंसते पर बच ही गए, कैसे बच गए, कुछ आड़े आ गया आपके पुराना। एक तो अर्थ प्रयोग ऐसे, और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बात नहीं करते, वो कहते हैं हम तो कुछ धर्म कर्म करते नहीं हैं, हमारे अम्मा जी बहुत करते हैं, उनका कुछ किया गया वो अपने काम आ गया। ये जैन धर्म में ऐसा नहीं होता, दादाजी का कर्म आपके काम नहीं आएगा, दादी जी का कर्म आपके काम नहीं आएगा, उनका पुण्य उनके साथ में और आपका पुण्य पाप कर्म आपके साथ में। इसलिए किसी का अपने काम आ जाए, किसी का सहयोग अपने हो जाए, किसी और के कर्मों का फल हमें भोगना पड़े, दुनिया में इस तरह के वाक्य बहुत चलते हैं, उनकी करनी के फल हैं हमें भुगतने पड़ रहे हैं। नहीं आता है, नहीं आता है, वो आपके पुण्य का उदय है, आपके पुण्य का उदय नहीं हो तो उसी घर में से निकाल दिया जाए आपको। बोलो किसा, पिताजी ने कमाया था वो हमारे काम आ रहा है, तो उनका कमाया हुआ हमारे काम आ रहा है ना कि नहीं। ये जिसे आप कमाना कहते हो धन दौलत आदि, इसे कमाई नहीं कहते हैं, उन्होंने जो अपना पुण्य पाप कमाया था वो अपने साथ लेकर के चले गए, और हमें जो मिल रहा है ये अपने पुण्य पाप कर्म के उदय के हिसाब से मिल रहा है, उसमें आपका उदय काम कर रहा है। यहाँ तो धर्म की रक्षा की बात है भाई, उदय की रक्षा की बात नहीं है। चलो क्या कह रहे हैं, फिर क्या करें साहब, धर्म ही हमारी रक्षा करने वाला है तो फिर बतलाओ। अच्छा आपको पता लग जाए कि आपको इस केस में कौन बचा सकता है, इस बात का आपको पता लग गया है, तो फिर आप उसको छोड़ करके किस किस के पास जाओगे, उसी के पास जाएंगे। ऐसा ऐसा पागल कौन होगा, जब हमें पता लग गया कि हमें बचाने वाला यही है तो फिर उसे छोड़ के किसी और के पास में जाना चाहिए क्या। अब हमें क्या पता लग गया यहाँ, क्या बात कर रहे हो साहब, पहले तो हमारे बहुत अच्छे साथी थे, आपको पता नहीं है हमारे रिलेशन उनके साथ में कितने अच्छे थे, पहले भी नहीं थे। व्यवहार से कहा जाता है उदय बदल जाता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं, फर्क को पर जानो बस। मित्रता सबसे घनिष्ठता किसी से नहीं, क्या क्या कहा, अपने सब साथी हैं अपने, कोई बात नहीं, घनिष्ठता यहां हुई वहां चालू हुई तकलीफ, मित्रता है ठीक है, हम जानते हैं मित्र मतलब काम आए तो ठीक है, नहीं घनिष्ठता होगी तो लगेगा नहीं नहीं उनको तो आना ही चाहिए था, क्या सहज मित्रता है, कार्य के होने में अनुकूल और प्रतिकूल रूप से जो सहयोगी होते हैं उसे मित्र कहते हैं, मित्रता जो धारण करे नियम से निमित्त कहते हैं उसे। कहें जग में हमारा कोई भी था नहीं भाई साहब, सच्ची बात ये है, हमारा क्या था जग में बतलाओ तो सही, क्या लेकर के आए थे, मुट्ठी बांधे आए थे जगत में और हाथ पसारे जाएगा, अकेले आए थे अकेले जाएगा, क्या था तुम्हारा, तुमने जबरदस्ती यहाँ आकर अपना 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 हड़प लिया तुमने,
ये सब अधिकारी तो जमा रखा है ना हमने, हमारा तो कुछ भी नहीं था, ये कहता नुकसान हो गया। कहाँ से कितना नुकसान हो गया? अरे साहब मार्केट बीच में इतना अच्छा हो गया था कि उनकी कीमत बहुत हो गई थी, और फिर एकदम मार्केट इतना टूट गया कि इतना नुकसान हो गया। कि तुमने खरीदा कितने में था? कि खरीदा तो 2000 में था, और अभी क्या भाव है? कि अभी तो 25000 है, सब भी घाटा है। अरे 35 से 25 रह गया। अरे अपनी कल्पना नहीं करता रहता है क्या? मैं तो कई बार कहता हूँ कि तू जो लाभ और नुकसान की बात करता है, मुझे एक बार बता, तुझे बेचना है प्रॉपर्टी के दाम बहुत गिर गए साहब, बहुत नुकसान हो गया, तुम बेचना है क्या? कि बेचना तो नहीं है, बेचेंगे 10-20 साल बाद, कि तब देखना ना प्रॉफिट और लॉस को। आज काय का लॉस देख रहा है? चांदी का दाम कितने है अभी? बहुत डाउन हो गई, कहाँ से गिरी थी? 75-76 से है? अभी कितनी है? 37 आपने किस गाँव में खरीदी थी? 45 नुकसान हो रहा है ना? काय का नुकसान है? बड़ी का क्या लेना देना है उसमें? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जग में कोई वस्तु हमारी थी नहीं, है नहीं, और हमें क्या करना है? अब हम भी न रहे जग के साथी, हम भी जगत के साथी नहीं रहे, फिर क्या होगा बताओ? जब तुम जगत के साथी नहीं रहोगे तो क्या होगा? बोले अब जो दशा प्रकट होती है उस दशा को कहते हैं मुनि दशा, अरहंत दशा। तभी देव शास्त्र गुरु की चर्चा इसी जयमाला में आगे प्रारंभ की है, कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कभी